उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो इस कट मोशन पर जो चर्चा हुई है, जिन सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया है, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनके नामों का भी मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे और श्री हमारे हरीश मीणा और मिसेस कोकोली गोस दफ्तीदार, श्री सतपति जी और इसके अतिरिक्त श्री रविंद्र बाबू TDP और विनोद जी TRS और मोहम्मद सलीम BD राम जी, जयप्रकाश यादव, श्री उदित राज जी, मोहम्मद बशीर और मिसेस किरण खेर, श्री अभिजीत मुखर्जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री भारतेंदु सिंह, श्री दुष्यंत चौटाला और श्री संजय जायसवाल, इन सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन भी माननीय सदस्यों ने विचार किए व्यक्त किए हैं, कई ने गृह मंत्रालय के कामकाज की सराहना की है और कुछ ने उसकी समालोचना की है। आलोचना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने आलोचना भी की है उसे भी मैं सकारात्मक रूप में उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और आलोचना करते हुए भी जो उनके सुझाव प्राप्त हुए हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम उन सुझावों पर जहाँ तक हो सकेगा हम पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि आलोचना भी की है उन्होंने, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि देश हित को ध्यान में रखकर ही उन्होंने आलोचना की होगी, कि ताकि गृह मंत्रालय उनकी आलोचनाओं का संज्ञान लेते हुए उस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठा सके। उपसभापति महोदय, जहां तक देश की आंतरिक स्थिति का सवाल है, मैं फर्म कन्विक्शन के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति में जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से सुधार हुआ है। भारत एक बड़ा देश है, लगभग 124-125 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहां पर डाइवर्सिटी विविधताओं से भरा हुआ यह भारत है और यहां पर लोगों की एस्पिरेशंस भी अलग अलग हैं, लोगों की नीड्स भी अलग अलग हैं। इसलिए यह कोई दावा नहीं कर सकता कि कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार की वारदात नहीं होगी। लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय ने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से जो भी यहाँ के आंतरिक सुरक्षा के हालात में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं वह प्रयास किए हैं। मैं वैसे कई जो सम्मानित सदस्यों ने यहाँ विचार व्यक्त किए हैं, मेरी इच्छा तो यह है कि मैं सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा जिन भी बिंदुओं की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं उन सबका चूंकि मैंने संज्ञान लिया है और सब पर मैं जवाब दूँ। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर, उनके द्वारा उठाए गए जो पॉइंट्स हैं, उस पर यदि मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा तो कम से कम 1.5-2.5 घंटे का भी समय यहां पर लग सकता है। इसलिए बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। लेकिन उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पर कुछ बोलने के पहले मैं एक 10-12 मिनट के अंदर ही देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के बारे में मैं माननीय सदस्यों को यहाँ पर जानकारी मैं देना चाहूँगा। जहाँ तक देश में आतंकी हमलों का संबंध है, वर्ष 2016 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा पठानकोट, उड़ी और नागरोटा में जो हमारे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पर यह हमला हुआ, सभी को जानकारी है। और उसे हम भारत के रहने वाले लोगों ने उसे एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार किया है। अब इसमें इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 322 या टेररिस्ट जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें 150 आतंकवादियों को केवल 2016 में हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों ने उन्हें मारने में कामयाबी हासिल की है। और 8 जुलाई 2016 को 3 आतंकवादी मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित भी डिस्टर्बेंसेस कुछ शुरू हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस उस पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक कामयाब रही है। जहां जुलाई 2016 में 820 लॉ एंड ऑर्डर संबंधित घटनाएं हुई थी, वही दिसंबर 2016 में, मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा उपसभापति महोदय, जुलाई 2016 में 820 लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित घटनाएं हुई थी, वहीं दिसंबर 2016 में यह घटकर 36 और जनवरी 2017 में सिर्फ 6 रह गई है। वैसे
जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए बहुत सारे हमने स्टेप्स जो लिए हैं, वहां पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी की लगभग 10,000 की पोस्ट हमने सैंक्शन की है। उड़ान स्कीम भी हमारी प्रभावी तरीके से चल रही है, जिसमें लगभग 9,000 से अधिक वहां के नौजवानों की ट्रेनिंग भी अब पूरी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन की मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि जब कभी भी इस देश के सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में हम चर्चा करते हैं तो टेररिज्म, LWE अफेक्टेड एरियाज, इनकी चर्चा के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डिवीजन की भी चर्चा होनी चाहिए। इंसर्जेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती नॉर्थ ईस्ट की रही है। आज मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के 10-15-20 वर्षों पहले जो इंसर्जेंसी के हालात नॉर्थ ईस्ट में थे, उपसभापति महोदय, उसमें 75% की गिरावट आई है, उसमें कमी आई है, और यह सदन को जानकारी देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं वह आंकड़े भी देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स की वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में, यहां पर 15-16 की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की बात नहीं, यह सरकार बनने की बात की कि प्रतिवर्ष क्या प्रोग्रेस हो रही है। 2015 में भी और 16 में भी हम देखें तो उसमें 15% की कमी आ गई है। 2015 में जो घटनाएं घटित हुई, इंसर्जेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स थे वो 574 थे, लेकिन 2016 में भी वह कम हुए हैं, 484 रह गए हैं। और 2016 में वर्ष 1997 से अब तक की सबसे कम इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुई हैं। यह एक सुखद सूचना है जो कि इस सम्मानित सदन को देना मैं आवश्यक समझता था, इसलिए उसकी जानकारी आपको दी है। एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस 2 डिवीजन आता है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड सारी गतिविधियां ये डिवीजन करता है। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जिस स्ट्रेस के दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है उसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनके जो ग्रीवेंसेज हैं उनके रेडिशल की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यह सब सारे काम गृह मंत्रालय के द्वारा इस समय किए जा रहे हैं। लेकिन सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, उपसभापति महोदय, कि जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है कि हाउसिंग प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने के लिए सरकार ने 68 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर 3,090.68 करोड़ रुपए की लागत से CRPF, CISF, ITBP के जो पर्सनल्स हैं उनके लिए 13,072 मकान और 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को अभी अभी हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है। NSG के लिए भी, रीजनल हब की स्थापना के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव को इसी 9 मार्च को ही अभी अप्रूव किया है। इसके अतिरिक्त 30 इंडिया रिजर्व बटालियंस, मैं स्टेट्स का नाम लेना चाहूँगा, 4 आंध्र प्रदेश, 4 तेलंगाना, 5 जम्मू कश्मीर, 4 छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, 2 महाराष्ट्र, 3 उड़ीसा, 2 पंजाब, 2 गुजरात और 1 राजस्थान के गठन किए जाने के बारे में भी हम लोगों ने अप्रूवल कर दिया है। और इनको दी जाने वाली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी उन्हें प्रोवाइड की जा चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, कानून और व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों से निपटने में महिला पुलिस की मांग अब पहले की अपेक्षा तेजी के साथ बढ़ी है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो फोर्सेज हैं उनके लिए तो जो आदेश मुझे जारी करना था वो तो आदेश मैंने जारी किया है, लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को मैंने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि पुलिस फोर्स हो अथवा कोई भी फोर्स हो उसमें कम से कम 33% महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए। और मैं यह कह सकता हूं कि इस दिशा में तेजी के साथ अब प्रगति हो रही है, राज्य सरकारों ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है और इस दिशा में राज्य सरकारें भी प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त सरकार ने सशस्त्र सीमा बल SSB में भी 21 महिला कंपनियों को भी अलग से हम लोगों ने अभी हाल में ही अप्रूव किया है इन महिलाओं का परसेंटेज उसमें बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे ही स्टेप्स हम लोगों ने जवानों के बारे में भी लिए हैं। पहले ऐसा होता था उपसभापति महोदय कि जब जवान घायल भी हो जाता था हॉस्पिटल में एडमिट रहता था, ऑन ड्यूटी नहीं माना जाता था, लेकिन गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैंने आदेश किया कि यदि हमारा नौजवान घायल हो जाता है हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो ऑफ द ड्यूटी नहीं माना जाएगा बल्कि ऑन द ड्यूटी माना जाएगा, और यह आदेश भी प्रभावी तरीके से अब लागू हो गया है। मैं यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं
उनके बच्चों की भी हम लोगों ने इधर चिंता की है। स्वयं मैंने संपर्क किया, एक सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन है, उसके जो भी चेयरमैन थे उन चेयरमैन के साथ हमने संपर्क किया और उनसे मैंने अनुरोध किया कि ऐसे हमारे जवान जो शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी यदि आपका फाउंडेशन अपने कंधों पर उठा ले तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए होगा। उन्होंने सहज रूप से इसे स्वीकार कर लिया और सदन को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज हम शहीदों के लगभग 295 बच्चों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं और 178 बच्चों का नॉमिनेशन हेतु शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन को आगे से हम लोगों ने भेजा है। सदन को यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हाल में ही अभी जो छत्तीसगढ़ में हमारे 12 सीआरपीएफ के जवान मारे गए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी सहायता संभव होती है, जो सहायता दी जा रही है उसके अतिरिक्त भी मैंने कुछ अन्य लोगों से भी अनुरोध किया है, जिसमें कि एक पहल की है फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने। उन्होंने कहा कि सर मुझे जितने भी जवान मारे गए हैं उनके हमको परिवार के सदस्यों का अकाउंट नंबर भेजिए और उन्होंने हर शहीद परिवार को 9-9 लाख रुपए की धनराशि अपनी तरफ से दी है। कारपोरेट जगत के अन्य लोगों से भी मैं संपर्क कर रहा हूं, जो हमारे जवान ऐसे शहीद हो रहे हैं उनकी वह जितनी अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं वह अपनी तरफ से उनकी मदद करें। अध्यक्ष उपसभापति महोदय, महिला सुरक्षा एवं साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देश के सामने एक मेजर चैलेंज है और सचमुच उस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया है। इसका सामना करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और जिसमें एक CCTNS प्रोजेक्ट की मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा और इसको आगे बढ़ाते हुए पुलिस थानों का कंप्यूटराइजेशन यह किया जा रहा है ताकि पुलिस थाने आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकें। इस अपराधी ने केवल इस स्टेट में अपराध किया है कि दूसरे स्टेट में किया है, तीसरे स्टेट में किया है, इसकी जानकारी हो सके और साथ ही हम लिंकअप उसको कर रहे हैं कोर्ट, जेल, प्रोसिक्यूशन कार्यालय एवं फॉरेंसिक लेबोरेटरीज भी थानों से जुड़ सकेंगी, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। बिहार अपडेट, मैंने अब जो जानकारी देना चाहता हूं CCTNS के प्रोग्रेस की, बिहार और राजस्थान को छोड़कर देश के कुल 13,353 पुलिस स्टेशन में से 12,622 पुलिस स्टेशन FIR CCTNS का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर रहे हैं। यह प्रोग्रेस हुई है 2.5 वर्षों के अंदर उपसभापति महोदय, और दिसंबर 2016 तक लगभग 99.6 लाख FIR इस प्रकार से रजिस्टर किए जा चुके हैं और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने के लिए पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक्स एवं प्रोसिक्यूशन को जोड़ते हुए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। निर्भया फंड की भी यहां पर चर्चा आई। निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों पर भी कंट्रोल पाने के लिए साइबर क्राइम प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन, यह स्कीम अब गृह मंत्रालय अगले 3 वर्षों में 195.83 करोड़ की लागत से इंप्लीमेंट करे और 36 साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर्स भी सभी स्टेट्स और यूटीज में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। सारे देश में 40,500 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेंड भी केवल विमेन सिक्योरिटी के पर्पज से और साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से किया जाएगा, यह भी यह डिसीजन हम लोगों ने लिया है। और निर्भया फंड के ही अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक नया स्वरूप देने की हम लोगों ने कोशिश की है और इसके अंतर्गत पुलिस, एम्बुलेंस, फायर जैसी इमरजेंसी सर्विसेज को एक टेलीफोन नंबर 112 में जोड़ने के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरी और संचार मंत्रालयों के साथ गृह मंत्रालय इस समय काम कर रहा है। मैं यहां पर LWE अफेक्टेड माओवाद से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी भी यहां पर चर्चा उपसभापति महोदय में करना चाहूंगा कि वामपंथी उग्रवाद हिंसा में भी पिछले कई वर्षों की अपेक्षा तेजी के साथ गिरावट आई है। मैं यहां पर आंकड़ा देना चाहता हूं कि 2011 में जहां 1760 हिंसक घटनाओं के हुई थी, जिसमें कि हमारे 611 सिक्योरिटी फोर्सेस एवं सिविलियंस की मृत्यु हुई थी, वहीं 2016 में 1088 हिंसक घटनाओं में केवल 278 की मृत्यु हुई। मैंने जहां पर
लगभग 611 की हुई थी, उसमें इतनी गिरावट आई है। और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों की संख्या जो वर्ष में 2011 में 99 थी, वह 2016 में बढ़कर 222 हो गई। वहीं आत्मसमर्पण माने सरेंडर करने वाले जो हमारे इंसर्जेंट्स हैं, उनकी संख्या 2011 में 394 थी, जो 2016 में बढ़कर 1442 हो गई है। और उपसभापति महोदय, यह भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 10 राज्यों के 106 जिले यह माओवाद से प्रभावित थे, लेकिन वर्तमान समय में केवल 68 ऐसे जिले हैं जिनमें उग्रवादी हिंसा के मामलों की रिपोर्टें मिल रही हैं। और ये कहने मुझे संकोच नहीं है कि 90% जो घटनाएं होती हैं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, यानी कुल 7 राज्यों के 35 मोस्ट अफेक्टेड जिले अभी शेष हैं। इनका नंबर लगातार गिरता जा रहा है और आगे भी यह गिरता जाएगा। सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, राज्यों को अर्धसैनिक बल और अधिक उपलब्ध कराते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हम स्टेट्स के साथ करते हैं, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए भी सेंटर अपनी तरफ से जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, फोर्स का असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, वह सब सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी, जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ डेवलपमेंट का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। और इसमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 8 प्रदेशों के 34 जिलों में सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए 5422 किलोमीटर सड़कों का निर्माण RRP फेज 1 स्कीम के तहत स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 4225 किलोमीटर सड़कों का निर्माण यह अब तक हो चुका है। इसके अलावा अब दिसंबर 2016 में हमारी सरकार ने LWE प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में 5412 किलोमीटर सड़क एवं 126 ब्रिजेस के निर्माण के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। और इस योजना में कुल 11725 करोड़ की राशि व्यय होगी। और मैं समझता हूँ पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में इस माओवाद से प्रभावित 35 जिलों में 358 नए बैंक्स भी हम लोगों ने खुलवाए हैं तथा 752 नए ATMs भी लगे हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं 35 जिलों में 1789 नए पोस्ट ऑफिस भी खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। उपसभापति महोदय, ये बॉर्डर मैनेजमेंट यह भी गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है, इसकी भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि फेंसिंग का काम ये इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान इस बॉर्डर पर काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। मैं आंकड़े दे सकता हूँ लेकिन लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं जानता हूँ कि हमारे अधिकांश सदस्य अब जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री पर बॉर्डर पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने के लिए 4805 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2844 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अभी हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इनके भी सुझाव लिए जाने चाहिए। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस संबंध में मैं गंभीरतापूर्वक विचार करूँगा और जो भी होगा आवश्यक कदम हम उठाएंगे। कई हमारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, और मैं यहाँ पर रक्सौल के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा, 3 जून 2016 से तथा जोगबनी स्थित ICP ने 15 नवंबर 2016 से कार्य करना शुरू कर दिया है। पेट्रापोल ICP में कार्गो टर्मिनल का 21 जुलाई 2016 को उद्घाटन किया गया है। 24 जनवरी 2017 को डॉकी मेघालय में एक अन्य ICP का शिलान्यास किया गया है। और इफेक्टिवली बॉर्डर मैनेजमेंट यह हो सके, इसके लिए स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स 21 नवंबर 2016 को गठित की गई है। और भारत सरकार ने विभिन्न कठिन क्षेत्रों जहां फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती है की निगरानी करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे राडार्स,
सेंसर्स, कैमराज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सॉल्यूशंस की तैनाती का भी निर्णय लिया है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 हमारी परियोजनाएं इस समय चल रही हैं और मैं समझता हूं कि फरवरी ये समाप्त हुआ है, अब महीने डेढ़ दो महीने के बाद ही हम इन पायलट प्रोजेक्ट्स के जो रिजल्ट आएंगे उस आधार पर हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का काम बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हम यह प्रारंभ करेंगे। यूटी डिवीजन, यूनियन टेरिटरी डिवीजन भी इसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसके संबंध में बहुत कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कई कदम उठाए गए हैं। मैं निर्भया फंड की ही केवल यहाँ चर्चा करता हूँ। निर्भया फंड के अंतर्गत इस वर्ष 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, जिसमें कि 60 काउंसलर्स को 2 वर्ष के लिए हायर करना, ₹6.2 करोड़ इस पर खर्च किए जा रहे हैं। वहीं पर SPU WAC और SPU NER की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन ₹23.3 करोड़ इस पर खर्च किए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट्स के काम ये प्रारंभ हो गए हैं। और दिल्ली पुलिस द्वारा क्राइम को रोकने के लिए भी कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए गए हैं, CCTV कैमरा लगे हैं और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग यहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी नौजवानों को दी जाती है और जनसंपर्क का भी काम चलता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे दूसरी यूटीज हैं उस डिटेल में भी अब मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अब काफ़ी विलंब हो चुका है। उपसभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यहां पर जरूर इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्य यानी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर खड़गे साहब ने यह कहा है कि बजट एस्टिमेट जितना था उतना खर्च हम लोगों ने नहीं किया है। उस संबंध में मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, यह एक रिकॉर्ड है, जितना बजट एलोकेशन हुआ था होम मिनिस्ट्री ने अप्रॉक्सिमेटली 991% खर्च कर लिया है अब तक और मार्च समाप्त होते होते वह 100% वह पूरा हो जाएगा। ये अपने में रिकॉर्ड है। यहां पर उपसभापति महोदय, मैं ये जानकारी इसके पहले नहीं हुआ कभी, उपसभापति महोदय यह भी मैं बतलाना चाहता हूं, गृह मंत्रालय के अनुदानों में आवंटनों का बजट एस्टिमेट 2016-17 में 89,996.83 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में 99,279.8 करोड़, यानी 10.31% की हाइक, यह वृद्धि हुई है। और माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में यानी 2015-16 और 2016-17 में प्लान एलोकेशन के व्यय में गृह मंत्रालय का प्रदर्शन, जो परफॉर्मेंस रहा है, वो अभूतपूर्व रहा है। इसके पहले वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और इसके अतिरिक्त मैं सभी जितने भी बजट एस्टिमेट्स हैं उसके बारे में अलग अलग भी मैं बतला सकता हूं, लेकिन मैं बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन खड़गे साहब ने जो कुछ भी आंकड़े दिए थे वह बहुत ही सेलेक्टिव फिगर्स उन्होंने कुछ दी थी। खड़गे साहब ने नक्सलिज्म पर कुछ बातें उठाई थीं, लेकिन उसके बारे में मैंने अपनी स्पीच में जानकारी दे दी है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल का प्रभाव पहले के कंपैरिजन में कैसे तेजी के साथ गिरा है। यहाँ पर प्लान में जो इसकी भी जानकारी मैं दे चुका हूँ, पठानकोट आतंकवादी हमले पर के संबंध में एक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जो फिलिप कंपोज कमेटी बनी थी, यह कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाई थी और खड़गे साहब ने यह सवाल उठाया था, तो यह रक्षा मंत्रालय की जब कट मोशन पर चर्चा हो रही थी शायद उस समय खड़गे साहब को इसे उठाना चाहिए था। इनटॉलरेंस की बात कही गई है, इन्होंने इनटॉलरेंस की बात एक हमारे सम्मानित सदस्य ने कही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उपसभापति महोदय कि सांप्रदायिक घटनाओं की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। 2013 में 823 सांप्रदायिक घटनाएं इस देश में हुई थी, 2014 में 644, 2015 में 751 और 2016 में 703 यह घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो भी सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, यह लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, यह राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ है,
इसलिए हम जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हमसे सपोर्ट मांगती हैं वो सपोर्ट हम उनको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उपसभापति महोदय, इसके अतिरिक्त पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम पर भी खड़गे साहब ने अपनी बात उठाई थी और उसका जवाब मैं पहले ही अपने स्पीच में मैं दे चुका हूं। और हरीश मीणा जी ने जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम की बात कही है उनका अच्छा सुझाव है, मैं हरीश मीणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं हरीश मीणा जी के साथ ही पूरे सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह स्टूडेंट पुलिस कैडेट यह स्कीम जो केरला और गुजरात में चल रही है, स्वयं जाकर मैंने वहां की स्कीम को देखा है और कैसे सारे देश में यह स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम लागू की जा सकती है, इसका पूरा एक्शन प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है और आगामी कुछ ही महीनों में हम इसे लागू भी करने जा रहे हैं। खड़गे जी ने माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में 2017-18 में पूर्व के वर्षों से कम फंड उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम उपसभापति महोदय जम्मू कश्मीर LWE तथा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में लागू है। 2016-17 में जो हमारा बजट इस्टीमेट था वह 840 करोड़ था, जो रिवाइज इस्टीमेट में बढ़कर 1390 करोड़ कर दिया गया और 2017-18 में बजट इस्टीमेट पूर्व वर्ष से बढ़ाकर 1221 कर दिया गया। इसलिए जो उन्होंने यह बात कही थी वह भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। हमारी ये मिसेज कोकाली काकोली दोस्तीदा ने इन्होंने बात CRPF के बारे में उठाई है, मैं जानकारी देना चाहता हूं, आपके क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूं। यहां पर CRPF में अब तक 126 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स कार्यरत हैं और ITBP में 20 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स इस समय कार्यरत हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 42 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स का खरीद इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी अपनी तरफ से कर रहा है। और काकोली जी ने एक दूसरी बात फेंसिंग की कही है कि वह पूर्ण नहीं है, इसके कई कारण हैं। कई कारण जहां पर यह है कि कहीं पर हिल एरिया है, कहीं पर एवराइन है, कहीं पर फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, कहीं पर अपने जो नेबरिंग कंट्रीज की भी आपत्तियां रहती हैं कि यहां नई फेंसिंग होनी चाहिए, कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लैंड एक्विजिशन होना चाहिए वह लैंड एक्विजिशन न हो पाने के कारण भी फेंसिंग के काम में विलंब होता है, क्योंकि आने के बाद लगातार बॉर्डर फेंसिंग कितनी तेजी के साथ हो रही है मैं इसकी बराबर मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हमारे सहयोगी यहां पर दोनों राज्य मंत्री भी किरण रिजिजू जी और हंसराज अहिर भी इस काम को बहुत ही मुस्तैदी के साथ देख रहे हैं। यहां पर मैं पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के लैंड एक्वायर करने के संबंध में यह मैं कहना चाहूंगा कि रिक्वेस्ट की गई थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो हमारे वरिष्ठ सदस्य यहां पर संसद सदस्य सौगत राय साहब भी हैं और काकोली जी भी हैं, आप लोगों से भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से कहिए कि जल्दी लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो जाए ताकि हम फेंसिंग के अपनी काम को कंप्लीट कर सकें। नेशनल इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के आपने कहा था कि जो कम पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वह कम पढ़ी लिखी औरतें यह स्मार्ट फोन और ऐप का वह प्रयोग नहीं कर सकती हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के तहत इमरजेंसी कॉल करने के लिए स्मार्टफोन अथवा ऐप की कोई जरूरत नहीं है और ऑर्डिनरी फोन से भी वह काम कर सकते हैं। इसीलिए यह 2017-18 के इस फाइनेंशियल ईयर में इस नेशनल इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को लागू कर दिया गया है। और काकोली घोष्ट ने एक बात और कही है, गैंग रेप ऑफ वुमेन इन पंडरनगर न्यू दिल्ली, इस केस में दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 12-13-17 को FIR दर्ज की गई है तथा सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। काकोली घोष ने दूसरा प्रश्न 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन उठाया था, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, इसे प्रभावी तरीके से हम अमल कर रहे हैं। विनोद कुमार जी इस समय यहां पर मौजूद नहीं है फिर भी मैं उत्तर दे देता हूं, उन्होंने कहा था हीट वेव को एक नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत ही उसे माना जाना चाहिए, प्राकृतिक आपदा ही उसे माना जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित जो गाइडलाइंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड्स SDRF के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने FDRF में से जो 10% तक की राशि किसी भी
क्षेत्रीय आपदा जो इस राज्य के क्षेत्र में आती है उसके प्रभावित पीड़ितों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अलग से हीट वेव को नेचुरल ये डिजास्टर घोषित करने के बजाय बेहतर यह होगा कि राज्य सरकारें जो 10% का उनका फंड है एसडीआरएफ का, उसी से जो इससे प्रभावित हैं उनको वह सहायता प्रदान करें। विनोद कुमार जी, उन्होंने ये मॉडर्नाइजेशन पुलिस फंड की चर्चा की थी, शायद एलोकेशन के बारे में संभवतः उन्होंने कहा था कि यह कम हो गया है। तो 2016-17 में इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फंड को जो रुपया 595 करोड़ का बजट दिया गया, जो मार्च 31 तक 100% खर्च हो जाएगा, उन्होंने कहा कि ये फंड खर्च नहीं हुआ है उस संबंध में। 2015-16 में भी पुलिस मॉडर्नाइजेशन का बजट 100% खर्च किया गया है, खर्च हो चुका है। तेलंगाना को 15-16 में 16.32 करोड़ और 16-17 में 14.93 करोड़ दिया गया है। और CCTNS में तेलंगाना को अब तक 60 करोड़ दिए जा चुके हैं। ये उनके प्रश्न का उत्तर है। हमारे सतपति जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की बात कही थी। सतपति जी, स्मार्ट पुलिसिंग की ये जो बात कही है, पुलिस को सेंसिटिव बनाने के बारे में हम लोगों ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। स्मार्ट पुलिसिंग का यह कंसेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। यस का मतलब स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, यम का मतलब मॉडर्न एंड मोबाइल, ए का मतलब अकाउंटेबल एंड अलर्ट, आर का मतलब रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिबल, और टी का मतलब टेक सेवी एंड ट्रेंड वेल ट्रेंड। और सतपति साहब ने यह भी कहा था कि कलिकोपुल के सुसाइड नोट के बारे में आपने कहा था, ऐसा नहीं है। इस मामले को वहाँ की कैबिनेट ने, अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने भारत सरकार को भेजा है। वी आर एग्जामिनिंग दिस केस। रविंद्र बाबू टीडीपी ने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रयोग जो शहीद होते हैं अथवा घायल होते हैं उनके लिए किया जाना चाहिए, उसका उत्तर मैंने उपसभापति महोदय दे दिया, वो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। स्ट्रेस की भी बात उन्होंने उठाई है, उस दिशा में भी हम लोग कदम उठा रहे हैं। और सभी जितने भी हमारी फोर्सेज हैं, हर जोन सेक्टर रेंज यूनिट पर ऑपरेशन में जो भी ग्रीवेंसेज मिलती हैं, इसकी अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। और एक बार ग्रीवेंस लॉज किए जाने के बाद इंक्वायरी और रिड्रेसल का निर्धारित सिस्टम एवं प्रोसीजर है। और नीचे के स्तर पर रिड्रेसल नहीं किए जाने पर ग्रीवेंस को आगे बढ़ाने के लिए भी मैकेनिज्म है। ग्रीवेंस रिड्रेसल की उचित मॉनिटरिंग की जाती है। सभी केंद्रीय पुलिस बलों के पास अपने कार्मिकों एवं अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन का उचित चैनल मौजूद है। ओपन दरबार, सैनिक सम्मेलन और व्यक्तिगत सुनवाई जैसे बातचीत के सीधे तरीकों, जो विभिन्न अवसरों पर बातचीत के स्थापित मंचों के भाग हैं, जैसे वेब बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल, मोबाइल सर्विस, ईमेल, उचित सुरक्षा माने सिक्योरिटी ऑडिट के साथ इसको उपयोग किया जाता है। साथ ही बांग्लादेश इनक्लेव की बात मोहम्मद सलीम साहब वो भी चले गए। उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश से जो व्यक्ति भारतीय नागरिक बने हैं या जो इनक्लेव अब भारत का हिस्सा है, उनके विकास पर भारत सरकार का कोई ध्यान नहीं है, यह बात उन्होंने कही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है यह उचित नहीं है। 2015-16 में राज्य सरकार की रिक्वायरमेंट के अनुसार 140 करोड़ रुपये रिलीज किए गए और उसके बाद 2016-17 में 340 करोड़ हम देने को तैयार थे, लेकिन राज्य सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देरी से भेजी, अतः 140 करोड़ और ही हम रिलीज कर पाए। केवल हम 140 करोड़ रिलीज कर पाए क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आई थी। 2017 में हमने 477.49 करोड़ रुपए का बजट इस्टीमेट रखा है। समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आते रहें, पूरी धनराशि हम रिलीज कर देंगे, हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं। मोहम्मद सलीम साहब ने, इन्होंने कहा है कि POK चंब को 36,384 फैमिलीज के लिए भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है और प्रत्येक विस्थापित परिवार को 5.5 लाख दिए जाएंगे और इस स्कीम में ₹2,000 करोड़ के खर्च का प्राविधान है। और जम्मू कश्मीर की सरकार को हर परिवारों के दस्तावेज को चेक करना है। अब तक 20,000 से अधिक परिवारों ने राज्य सरकार से फार्म ले लिए हैं और 3,000 परिवारों ने सभी अभी तक सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर दिए हैं। भारत सरकार की ओर से धनराशि का डिस्ट्रीब्यूशन इसी फाइनेंशियल ईयर में
प्रारंभ कर दिया जाएगा। मोहम्मद बशीर साहब ने यह कहा है कि स्टेप्स टू स्ट्रेंथन ट्रेनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, इस संबंध में कहना चाहूँगा कि सरकार इस दिशा में कई इनिशिएटिव लिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का अभी रोहिणी में अपना कैंपस बनना शुरू हो गया है, जो अगले 2 सालों में पूरा हो जाएगा। NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ DIM का दक्षिण कैंप, साउथ कैंप विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कार्य करना शुरू कर दिया है, और नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर को अपग्रेड करके नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी बनाने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। विनोद कुमार जी ने कुछ LWE क्षेत्रों में सड़कों के बारे में कहा था, उसका मैं जवाब दे चुका हूं, और इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि अब कुछ शेष नहीं बचा है उपसभापति महोदय। मैं इसीलिए सभी सम्मानित सदस्यों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अब हमारा जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसे वह पारित करने की कृपा करें।